चलो एक क्वेश्चन आपका अशर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो आपके पास अशर्शन क्या दिया हुआ है कि इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम प्लस टू इज रिड्यूसिंग वाइल एम एन प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ध्यान ना, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो ध्यान देंगे, क्रोमियम प्लस टू से प्लस थ्री जाना चाहता है तो हाँ जाना चाहेगा। इसका रीजन होता है, इसका दो रीजन होता है कि क्रोमियम प्लस टू जो होता है इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3D4 होता है। क्योंकि इस जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है उसके लिए मीडियम क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस मीडियम में वाटर एज ए लिगेंड की तरह काम करता है, तो वाटर आपका लिगेंड होता है। इस लिगेंड के प्रेजेंस में आपका जो डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग होगा, तो क्रोमियम का जो डी ऑर्बिटल है दो पार्ट में ब्रेक करेगा, T2g और Eg फॉर्म में। तो ये आपका T2g लेवल है और ये आपका Eg लेवल है। अब D4 जो होगा, D4 में क्या होगा, चार इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करोगे। तो जैसे ही आप क्रोमियम प्लस टू से प्लस थ्री में जाओगे तो आपका जो T2g लेवल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो T2g लेवल क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ T2g लेवल। बात समझ में आया। सेकेंड क्या होता है कि क्रोमियम प्लस थ्री का हाइड्रेशन थैल्पी ज़्यादा होता है प्लस टू के रिस्पेक्ट में, तो हाइड्रेशन थैल्पी भी एक रीजन हो सकता है प्लस टू से प्लस थ्री आने का। ठीक है, तो ये दो रीजन सपोर्ट करेगा। अब ध्यान देंगे, अब हम MN पर फोकस करते हैं। तो MN ध्यान देना, अगर MN प्लस थ्री से अगर हम प्लस टू मूव करते हैं तो इसमें MN प्लस थ्री का होता है कॉन्फिगरेशन आर्गन 3D4, और जब प्लस टू में मूव करेगा तो हो जाएगा आर्गन 3D5। यानी इसका डी सबसेल क्या होता है, हाफ फिल हो जाता है। तो इसका डी सबसेल क्या होगा, इसका डी सबसेल हाफ फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, MN का प्लस थ्री स्टेट प्लस टू में मूव करना चाहता है। यानी आपका अशर्शन जो है वो करेक्ट है। अगर हम रीजन का बात करते हैं तो रीजन में क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व देन इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। यानी आपका जो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स सबसेल्स होता है, यानी ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जो इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं। तो ये भी आपका रीजन जो है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है आपके असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यानी अपना जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वन। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन में।